हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, कह रहे बिंदु, ये वाला जो क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस है, इसे हमें नहीं करना है। कह रहे बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी क्या होगी, दो बिंदुओं का बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, एक्स वन की जगह एक्स है और एक्स टू की जगह माइनस के एक्स, तो एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वाई वन की जगह वाई है और वाई टू की जगह माइनस के वाई, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस स्क्वायर। सूत्र पता है ना आपको, ये वाला सूत्र होता है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। तो एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे, टू एक्स इसका वर्ग, वाई और वाई कितने हो जाएंगे, टू वाई का वर्ग, तो दो का वर्ग कितना होता है चार एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा चार वाई स्क्वायर, चार वनिष्ठ आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर और चार का वर्गमूल जो होता है दो, ये जोड़ में इसका वर्गमूल बाहर नहीं आएगा, तो हमें हमारा जो उत्तर मिल जाएगा दो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये हमें हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। अभाज्य संख्या जीरो सम संख्या में आती है, एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, आठ भाज्य है, दो से कट जाएगा चार से कट जाएगा, दो सिर्फ दो से कटेगा और एक से कटेगा, यानी कि ये अभाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या के सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक का जो रूप होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, सम बोला नहीं है विषम नहीं बोला है, तो कैसे हम आइडिया लगाएंगे क्या होगा। ठीक है, अगर विषम बोलेगा तो ये होगा टू क्यू प्लस वन और अगर सम बोलेगा तो होगा टू क्यू, ये सम के लिए होगा और ये विषम के लिए होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, इसे दो नंबर में पूछा जाता है लेकिन एक नंबर में ही डाल दिया है कि साइन ए प्लस बी का मान अंडर रूट तीन बट्टे दो है, कॉस ए माइनस बी का अंडर रूट तीन बट्टे दो है, तो ए और बी के मान बताने हैं कि क्या होंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है बच्चों, साइन ए प्लस बी, इसको हल करके दिखाता हूँ मैं, साइन ए प्लस बी आपका अंडर रूट तीन बट्टे दो है, यहाँ साइन है, इसका मान भी साइन में लेना है, तो साइन साठ का मान होता है अंडर रूट तीन बट्टे दो, साइन से साइन कटा आपका आ जाएगा ए प्लस बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, समीकरण एक हो गया। उसके बाद दूसरा हमें दे रखा है कॉस ए माइनस बी, हमें दे रखा है अंडर रूट तीन बट्टे दो, ठीक, इधर कॉस है, इसका मान भी कॉस पे सोचो, कॉस 30 का मान होता है, कॉस से कॉस कटा, यानी कि ए माइनस बी हमें मिल गया 30 डिग्री, ए माइनस बी हमें कितना मिल गया 30 डिग्री, समीकरण दोनों को हमें हल कर देना है, तो समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से विलोपन विधि से हल कर दोगे, ये आपका a प्लस बी आपका 60 डिग्री है और ये आपका a माइनस बी आपका 30 डिग्री है। ठीक है, हल कर देंगे, जोड़ने पे कटा a और a कितना हो जाएगा 2a, 60 और 30 हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये दो घोड़े में धरके पट्टी में आ जाएगा, दो चौके आठ, दो पंजे दस, तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री, ए का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब आप ए का मान किसी भी समीकरण में रख दो, ए प्लस बी 60 है, ए का मान 45 रख दोगे तो प्लस के 60 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 45 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा प्लस के 15, तो ए का मान 45 और बी का मान 15 होगा, तो 45 और 15 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, वन है 10 30 का मान 1/10√3 होता है, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, नीचे भी वही है बस प्लस है, ठीक है लगा दिया, एक का वर्ग एक, √3 का वर्ग तीन, ठीक है √ वर्ग करने पे हट जाता है, सेम चीज़ नीचे है, 3 1 3 -1/3, नीचे भी 3 1 3 + 1, इसके बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3 घटा, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 1 2, 2 2 4, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, कह रहे हैं अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं समीकरण का एक मूल 6 है तो k का मान क्या होगा, जो मूल होता है बच्चों उस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि x का मान 6 है तो रखो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 6 रख दो, ठीक, और इस समीकरण को संतुष्ट करेगा 6 6 36 4 6 24, ठीक है प्लस का के इधर के माइनस का के, 36 में से 24 कटेंगे 12, तो माइनस इधर लगा लो, तो k का मान क्या आ जाएगा -k 12, ठीक है k का मान क्या आ जाएगा -k 12।
अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे दो संख्याओं का योगफल 24 है। दो संख्या, एक संख्या x, एक संख्या y मान ली हमने। दो संख्याओं का योगफल 24 है और एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या की दोगुनी है। x जो है वाई की दोगुनी है। समीकरण एक, समीकरण दो, x का मान यहाँ रख दोगे तो 2y प्लस वाई 24 हो जाएगा। 3y बराबर 24, 3 8 24। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, माना मुना ये सब करने का टाइम वेस्ट मत कर देना। वाई का मान उठाकर यहाँ रख दो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 2 16। तो एक संख्या 16 होगी, एक संख्या 8 होगी। 16 और 8, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। वैसे क्या करना है इसका आंसर में, इसका बस वर्गमूल ले लेना, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार डाला गया है। देखो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, शीर्ष से ये ए है, ये है, इससे हम जब लंब डालते हैं तो ए है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो बोला लंब की माप क्या होगी, मान लेते लंब क्या है, एच है। एच क्या है हमारा, लंब है। लंब अगर आपको निकालना है, क्योंकि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण कर्ण का जो वर्ग होता है उसमें से आधार का वर्ग घटा दो। आधार क्या है, 1/2, इसके वर्ग को घटा दो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, 2 2 4। इसको हल कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 4a² माइनस के ए स्क्वायर बट्टे में 4, यह आ जाएगा 3a² बट्टे में 4। तो 3 का वर्गमूल होता है √3, ए का वर्गमूल बाहर निकालोगे ए, 4 का वर्गमूल दो √3a/2, √3a/2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आधा सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा। देखो व्यास हमें दे रखे आधा, 1/2, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1/2 का आधा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, 1 + 1 = 2 × 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान 4 आ गया। हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठेत्रफल निकालना है। ये अर्धगोला, इसका संपूर्ण पृष्ठेत्रफल जो होते हैं वो होते हैं 3π r²। पाई का मान नहीं रखा है, आर का मान है 1/4, वर्ग लगा दो 3π, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, तो आंसर आ जाएगा 3/16π। 3/16π आ जाएगा आंसर, 3/16, ऑप्शन नंबर बी, 3/16π सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न में, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। आपको भी चित्र बना के दिखाऊं, ये हमारे पास वृत्त जो चाप है, त्रिज्या दे रखा है ना, त्रिज्या हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और जो कोण बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है θ/360 × π r² थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, बट्टे में है 360, पाई का मान नहीं रखा है प्रश्न में, देखो सारा पाई पाई दिख रहा है, और आर का मान है 6 × 6, 6 × 36, 6 से 6 घटा, आंसर आ जाएगा 6π। आंसर कितना आ जाएगा, 6π, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः इतने और इतने, लंब भुजा की माप क्या होगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज हमारे पास, तो हमें प्रश्न में दे रखा है क्या कि आधार 7.5 है और जो समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है 7.5, सॉरी बच्चों कर्ण 7.5 है, आधार 4.5 है, इसे 4 मान लो, ये 4.5 है। हमें लंब भुजा की माप निकालनी है, ये जो लंब है इसका माप निकालना है, मान लेते लंब h है, ठीक है 90 इंच का कोण है, तो इसको अगर हटा दे, दशमलव हटा दो ना, दिक्कत कर रहा है, दशमलव एक लग जाएगा और पीछे एक संख्या 1 0 पड़ जाएगा, 5 से काटोगे, 5 × 5 5 × 25 5 × 10, इसको काटोगे दशमलव हटाओगे एक संख्या 1 0 पड़ जाएगा, 5 × 45 5 × 10। तो हमें लंब निकालना है, लंब क्या होता है √ में कर्ण का वर्ग माइनस ये क्या हो जाएगा आधार का वर्ग, तो 225 बट्टे में 4 और 981 बट्टे में 4, तो घटाओ
पांच में से यहाँ एक घटाएंगे चार बचेगा, 12 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा, 4, 144 बट्टे में 4, तो 12 बट्टे 2, 2×6 12, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में ए बी की माध्यिका सी डी है, तो सी डी स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज बोला है। देखो ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी और ये इसकी माध्यिका है, माध्यिका है ए बी, ए बी की माध्यिका सी डी, ओ एक सेकेंड, ए बी की माध्यिका ना सी डी है, ये माध्यिका लेनी है सी डी यहाँ पर, ठीक है। माध्यिका क्या करती है, सामने वाले भुजा को दो हिस्सों में बांट देती है, तो सी डी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये सी डी, ठीक है, समबाहु है, एक तरीके से आपको पता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब आ जाओगे त्रिभुज सी डी बी में, पाइथागोरस प्रमेय से, देखो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण हमारे पास है, इसमें भी लगा सकते हो और इसमें भी लगा सकते हो बात, क्योंकि सारा में ए बी दिख रहा है ना। अच्छा देखते हैं ए बी ए बी क्या होता है, पहले लगाते हैं सी बी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का वर्ग क्या होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब आंसर में देखो सारे ए बी दिख रहे हैं आपको, ठीक है, सारे ए बी दिख रहे हैं, किसका लाना है, सी डी स्क्वायर लाना है, तो जो सी बी है, सी बी कहाँ है, ये सी बी है, और ये जो बी डी है, चूँकि देखो बच्चों जो बी डी है या ए डी वो आपस में बराबर है और ये ए बी का आधा है, ये ए बी का आधा है, और ए बी की जगह देखो, क्योंकि मैं अब बी सी की जगह क्या रख सकता हूँ, ए बी रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, तो ये ए बी है, बी सी की जगह पे मैं ए बी रख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर, और प्लस का जो सी डी स्क्वायर है, प्लस का जो बी डी स्क्वायर है, इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का बी डी स्क्वायर, और यहाँ बचा सी डी, तो बी डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी बट्टे दो रख दो, ये ए बी स्क्वायर, और यहाँ रख दिया मैंने ए बी बट्टे दो का वर्ग, तो ए बी स्क्वायर यह आ गया, ए बी स्क्वायर दो का वर्ग हो गया बच्चों 4, ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉस ऑफ आ जाएगा 4, इसके गुणा इसके साथ 4ab² और इसके गुणा इसके साथ ab² कटाएंगे तो ये आ जाएगा 3ab² बट्टे में 4 cd² वर्गमूल निकालोगे तो 3 का वर्गमूल √3, ab² का वर्गमूल ab और 4 का वर्गमूल 2, तो ये आ जाएगा cd² √3/2ab, √3/2 ए बी, अच्छा अंडर रूट फंड रूट नहीं निकाला ना, ए सी डी स्क्वायर ही चाहिए आपको, तो ये आ जाएगा आंसर, 3/4ab² ये आ जाएगा, सी डी स्क्वायर बराबर कितना, 3/4ad² सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि 12 व्यक्तियों को भार का समांतर माध्य इतना है, उनका योगफल क्या होगा, अगर योगफल कभी निकाले माध्य बोला है तो जितने व्यक्ति हैं उनके माध्य से गुणा कर दो, 40.6 45.6, 12×6 72 हासिल लगा 7, 12×5 60 60 और 7 67 हासिल लगा 6, 12×48 48 और 6 54 0.1 स्थान के बाद 547.2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्या बोला जा रहा है कि 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, कितने संख्या दे रखी है हमें, 3, 4, 6 और x का जो समांतर माध्य वो हमें दे रखा है 5, कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4 जितनी संख्या उससे भाग दे देते हैं। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो ये 4 और 6 10 और 3 13, ऊपर आ गया 13 प्लस x और 4×5 20, सो यहाँ देखो प्लस के 13 इधर के माइनस का हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 7, x का मान कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं ये जो द्विघात समीकरण में दे रखा है इसका विविक्त कर क्या होगा,
तो विभक्तिगण निकालने के लिए पहले इसको सरल कर लेते हैं। लॉस ऑफ आ जाएगा x, x गुणा x, एक्स स्क्वायर माइनस के वन, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, तिरछा गुणा करो एक्स स्क्वायर माइनस एक, एक्स एकम एक्स, और प्लस का एक्स इधर आ गया माइनस के एक्स। ठीक है, ये हमें अच्छे रूप में द्विघात समीकरण मिल गया। अब हमारे पास एक स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर गुणा जो वन, बी के स्थान पर एक्स का गुणा जो माइनस के वन, और सी के स्थान पर है माइनस के वन। ठीक है, हमें विभक्तिकरण डी निकालना है जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी। तो बी का मान है माइनस के वन फोर, ए का मान वन और सी का मान है माइनस वन। एक का वर्ग एक, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, माइनस गुणा माइनस प्लस, चार एक कम चार, तो उत्तर आ जाएगा पाँच। तो विभक्तिकरण का मान कितना होगा बच्चों, पाँच। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा। देखो आयताकार खेत है, यह आयताकार खेत है। कह रहे खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, खेत का जो क्षेत्रफल है वो 30 मीटर स्क्वायर है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक, सो प्रश्न बोला है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो माना चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी उसके चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 30, लंबाई हमारे पास x प्लस वन है और चौड़ाई हमारे पास x है, गुणा कर दोगे x गुणा x, एक्स स्क्वायर x एकम x, और ये प्लस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 30, तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 30, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 30, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यक और क्रमशः इतने बंटन का बहुलक क्या होगा। आप एक संबंध जानते हैं बहुलक माध्यक और माध्यक माध्य में, बहुलक बराबर होते हैं तीन गुणा माध्यक, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, माइनस के दो माध्य, ये संबंध आप जानते हैं, भली भांति जानते होंगे। तो प्रश्न में दे रखा है माध्यक बाद में, माध्यक हमारा क्या है 25.8, और माध्य हमें दे रखा है, माध्य दे रखा है 26.1। ठीक है, गुणा करो 3 × 8 = 24, हासिल लगा 2 × 5 = 15 और 2 = 17, हासिल लगा 1 × 3 = 6 और 1 = 7, दशमलव एक स्थान के बाद 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, हासिल लगा 1 × 2 = 4 और 1 = 5, घटा दो 4 में से 2 घटाएंगे 2 × 2 = 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 7 में से 5 घटाएंगे 2, आंसर आ जाएगा 25.2। 25.2 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हर साल ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी है। ठीक है, बारंबारता संचयी बारंबारता वर्गांतरल बहुलक, जो बहुलक होता है, जो माध्य होता है और जो माध्यिका होती है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। बहुलक, माध्य और माध्यिका, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। ठीक है, तो बहुलक हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। जो प्रश्न सिलेबस में है बच्चों वो तो हम कर रहे हैं, और जो सिलेबस में नहीं है उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में, खंड नंबर बौ कौन नंबर पे आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ये हमारे पास एक बिंदु है और ये हमारे पास दूसरा बिंदु है। ए बिंदु जो हमें दे रखे हैं वो है 2, y और बी बिंदु दे रखा है 10, 3, इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 10 मात्रक, तो हमें वाई का मान बताना है क्या होगा। चूँकि जो ए बी हमें दे रखा है 10, ये क्या है x1, y1, x2, y2। आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 − x2 का वर्ग + y1 − y2 का वर्ग, ये हमें 10 के बराबर दे रखा है। अब देखिए x1 की जगह हमने रख दिया 2, x2 की जगह पर हमने रख दिया 10, y1 की जगह y और y2 की जगह कितना है 3, और इधर है 10, इधर अंडररूट है, जब तक अंडररूट नहीं हटाओगे तब तक काम बात बनेगी नहीं। तो अंडररूट को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे अंडररूट हट जाएगा, 2 में से 10 घटाओगे -8, और ये आ गया y -3
और इधर आ जाएगा 10 का वर्ग, 8 8 64, इसको खोल दोगे ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, और प्लस इधर आ जाएगा 100 y² माइनस के 6y, 9 और 64 कितना हो जाएगा 73, प्लस का 100 इधर आ गया माइनस का 100, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 6y, 73 में से 100 घटाओगे माइनस के कितना आ जाएगा 27। तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है, ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको क्या करना है, हल करना है, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है, ऐसी दो संख्या लेनी है इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है, जिनको गुणा करने पे 27 है और घटाने पे 6, 9 3 27 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे वाई स्क्वायर, जब भी नेगेटिव का चिन्ह हो माइनस लगा के मान रखेंगे, 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0, तो ये आ जाएगा माइनस के 9y, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हो गया 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक जोड़ा हो गया, यहाँ से एक जोड़ा हो गया, वाई स्क्वायर से वाई ओबनिस्ट आ गया और दोनों में वाई का भाग आ जाएगा और वाई बाहर आ गया, वाई एक कम वाई 9 बचा, प्लस का चिन्ह आ गया, 3 ओबनिस्ट आ गया, 3 9 27, तो ये और ये चीज़ क्या है, ओबनिस्ट है, तो जो दो बार है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो ओबनिस्ट निकाला है उसे चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। यदि वाई माइनस 9 बराबर 0, तो माइनस का 9 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 9, यदि वाई प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 3, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक्स देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेंगे, लेकिन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन के अगर हम इन विगत वर्षों के प्रश्न पत्र नहीं बनाओगे तो एग्जाम में लटक जाओगे। तो मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ एनसीईआरटी के साथ साथ पुराने पेपर सॉल्व करके ही जाना, नहीं तो भाई बहुत पछताओगे एग्जाम में। हमें प्रश्न में क्या दिया है, देखो एक्स और 1/x का माध्य हमें एम दे रखा है, तो देखो दिया क्या है हमें प्रश्न में, हमें दिया है एक्स और 1/x का जो माध्य है वो एम दे रखा है, जितनी संख्या होती है उनको जोड़ते हैं और उससे भाग दे देते हैं, तो ये इसका माध्य है, यानी कि हम एक्स प्लस 1/x की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2m रख सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें प्रश्न में क्या निकालना है, हमें इस दोनों संख्याओं का माध्य निकालना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स 1/x³, इसका हमें माध्य निकालना है, दो संख्या है दोनों को जोड़ेंगे तो उसे भाग दे देंगे, अब ये क्या होगा ये हमें निकालना है। आपको एक सूत्र बता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी होता है, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ लगा देंगे ए प्लस बी, ए के जगह पर क्या है एक्स और बी के जगह पर 1/x है, तो ये लगा दिया 1/x प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के ए बी, ठीक है, माइनस के ए बी ये लगा दिया हमने, और बट्टे में क्या है हमारे पास 2 है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 2m, इसके जगह पे मैंने 2m रख दिया, और देखो यहाँ से क्या है, इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस के 2ab करोगे माइनस का 2 चाहिए, ठीक है, 2ab माइनस के, इसमें पद ज़्यादा आ गया ना, 2 ज़्यादा आ गया तो माइनस 2 हमने यहाँ घटा दिया, अब इसको खोलोगे ना तो प्लस 2 आएगा, तो प्लस 2 घटाने के लिए माइनस 2 कर दिया, और यहाँ पर पहले से ही माइनस 1 उपस्थित है, इसका मान क्या है हमारे पास, इसका मान हमारे पास 2m है स्क्वायर, और ये आ गया माइनस के 3, ठीक, तो 2m 2 का वर्ग होगा 4m² माइनस के 3, ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा, ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा। ये स्टेप समझ में आ गया ना, कहाँ से आया, देखो इसको हमने खोया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, अब 2ab पद ज़्यादा हो गया,
टू ए बी मतलब टू ए बी काटोगे तो टू टू ज़्यादा हो गया इसमें, तो टू ज़्यादा हो गया, टू घटा दिया, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो सिलेबस में नहीं है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसे स्किप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक निकालने के लिए हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको प्रश्न में जो दिया है वर्ग अंतराल वो लिखना है, उसके बाद बारंबारता और उसके बाद संचय बारंबारता, ये तीन चीज़ आपको चाहिए होती है, ठीक है। अब देखिए जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे, वर्ग अंतराल बारंबारता और संचय बारंबारता में बनानी है। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। यहाँ हमें बारंबारता 5, 8, 20, 15, 7 दे रखी है। संचय बारंबारता पहला वाला वैसे का वैसे 5 का 5, 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 में 20 जोड़ोगे 33, 33 से 15 जोड़ोगे 3 और 5 8, 3 और 1 4, और इसमें जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 55, ठीक है। अब इन सब को जोड़ोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 55, ठीक है। तो देखो एफ के कुल योगफल को हम एन से दिखाते हैं, और यहाँ जितना होता है यहाँ पे भी उतना ही होता है, ठीक है जी। अब हमें माध्यक निकालने के लिए हमें चाहिए एन बट्टा दो। एन क्या है हमारे पास, 55 बट्टा 2 करोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्तर 14, 2 पंजे 10। 27.5 से आपको बड़ा ढूंढना है CF में, तो 27.5 से पहला वाला बड़ा क्या है, 33, उसी के सिद्ध में आ जाओगे 20, उसी के सिद्ध में ये आ जाएगा। अतः हमें हमारा जो माध्यक वर्ग मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा 20 से 30। देखो 27.5 से बड़ा ढूंढना है जो पहली बार में बड़ा आएगा, बड़ा तो और भी है लेकिन जो पहली बार में बड़ा है, तो इधर हमारा एल का मान हो जाएगा 20, एच का मान हो जाएगा 20 से 30 के बीच में अंतर कितना है, 10 का अंतर है, ठीक है। और ये एफ के सीध में, तो एफ हमें मिल जाएगा 20, और इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है जहाँ से हमने ढूंढा था, CF हमारा 13 आ गया। सारे मान मिल चुके हैं, अब माध्यक के सूत्र में रख दो। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, एल प्लस एन बट्टे दो माइनस का CF गुणा एच बट्टे में एफ, ये हमारा माध्यक निकालने का सूत्र होता है। इस सूत्र में सभी मानों को उठाकर रख दीजिए, तो देखिए एल हमारे पास है 20, एन बट्टा दो, एन बट्टा दो हमारे पास था 27.5, CF हमारा है 13, एच हमारे पास है बच्चों 20 नहीं, एच हमारे पास है 10 का अंतर है, एफ हमारे पास है 20, तो 10 दूनी 20 घटा, तो 20 27.5, 13 घटाओगे तो बचेगा 14.5, 2 से भाग दे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 20 में आपको जोड़ देना 7.25, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 27.25। ये हमें हमारी माध्यिका मिल जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं, 2 नंबर में हर साल एग्जाम में आ जाते हैं, क्या नहीं, 2 संख्याओं का HCF 51 है, 2 संख्याओं का LCM क्या होगा, इतना आसान प्रश्न है। सो देखो आप जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो 2 संख्या क्या है, पहली संख्या है 255, दूसरी संख्या है 867। HCF हमें दे रखा है 51 और हमें LCM ज्ञात करना है, ठीक। ये गुणे में इस तरह आगे क्या हो जाएगी बच्चों, भाग में हो जाएगी, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगी, काटो कटेगा क्या, 5 5 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 7 21, और काटो 3 8 24, 3 5 15, 17 5 85, 5 से गुणा करो, 5 7 35, हासिल लगा 3, 5 6 30 और 3 33, 5 8 40 और 3 43, तो ये हमें हमारा LCM मिल जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 2 नंबर का है,
ठीक है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, हर साल आते हैं तो मान लेना है, उल्टा माना जाता है आपको पता ही है। माना अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। अगर अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में ले सकते हैं, जहां बट्टे का मान कभी जीरो नहीं होता। उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो पी और क्यू है ये हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तथा आपको पता है एच सी एफ अगर पी और क्यू का निकालेंगे तो हमें हमेशा कितना मिलेगा, वन मिलना चाहिए, क्योंकि ये परिमेय है तो परिमेय संख्या इन शर्तों को मानती ही मानती है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने एक ले लिया है, ठीक है। अब त्रिज्यागुणा करूँगा, पी एक कम पी हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट टू क्यू। फिर क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। वर्क करने पर देखो पी का वर्ग पी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट दो का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाते हैं, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर का गुणज क्या है यहाँ पर, दो है। क्यू स्क्वायर का गुणज क्या है, दो है। तो आप क्या बोलोगे, चूंकि पी स्क्वायर दो से विभाजित है, पी स्क्वायर दो से विभाजित है, अगर पी स्क्वायर दो से कट रहा है तो पी भी दो से कटता है, पी भी दो से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अगले क्वेश्चन, अगले वाले पार्ट में हमें क्या करना है, क्योंकि प्रमेय है, ये स्टेप्स इसके फिक्स हैं। माना पी बराबर यहाँ दो था ना, तो यहाँ दो आर लिख दोगे। फिर हमें क्या करना है, दोबारा से वर्क करना है। वर्क करने पर पी का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर, दो का वर्ग हो जाएगा चार, आर का वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी पी स्क्वायर एक बार आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा, पी स्क्वायर का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा। पी स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास, टू क्यू स्क्वायर है, ये यहाँ पर रख देना है। अच्छा, ये सब हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय तभी होगा जब यहाँ से किसी कंडीशन को वो मना करेगा। दो गुणे में दो से भाग चला जाएगा, दो दूनी चार, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया टू आर स्क्वायर। तो गुणज क्या, गुणज क्या है, दो है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर दो से विभाजित है, किससे विभाजित है बच्चों, दो से विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर दो से विभाजित है तो क्यू भी दो से विभाजित होगा। रट लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक। अब देखो भाई, पी भी दो से कट रहा है और क्यू भी दो से कट रहा है, चूंकि पी व क्यू दोनों दो से विभाजित हैं, इसलिए जो एच सी एफ है बच्चों पी और क्यू का, वो कितना है, दो है, जो कि एक के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या होता तो एच सी एफ वन देना चाहिए था, ये तो दो दे रहा है, क्योंकि परिमेय संख्या एच सी एफ वन देती है, ये दो दे रही है। यानी कि हमने जो माना है कि अंडर रूट एक परिमेय, वो परिमेय है ही नहीं, परिमेय होती तो एक देती, अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, ये हम यहाँ लिख देंगे। इसलिए अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, आगे बढ़ दें। अगला क्वेश्चन चार नंबर में पूछा गया, देखो बहुलक, इतना छोटू सा क्वेश्चन है, चार नंबर में आ गया, और हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन। कह रहे निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले वर्गंतराल चेक करो, 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, वर्गंतराल सही है। फिर बारंबारता को हम एफ से दर्शाते हैं, ठीक है, ये आपको कॉपी में भी ये पूरा एक बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो हमारे पास सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, सबसे बड़ी बारंबारता को हम एफ वन कहते हैं, इसके बाद वाले को एफ टू, और इससे पहले वाले को एफ जीरो, और एफ वन के ऊपर वाला हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग। चूँकि हमारा जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग क्या है, 30 से 40 है, बहुलक वर्ग 30 से 40 है, इसलिए बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितना है, 30 है, और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 10 है।
ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है, 10 है। अब हमें बहुलक सूत्र पे आ जाओ। बहुलक का जो सूत्र होता है वो था एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो गुणा एच बट्टे में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस के एफ टू। ये हमारा बहुलक का सूत्र होता है, आपको याद भी होगा। सूत्र याद करना भाई आपका काम है, मेरा नहीं। ठीक, एल एल हमारे पास 30 है, एफ वन मेरा कितना है बच्चों प्रश्न में, एफ वन हमारा है 23, एफ जीरो है हमारा 15, एच का मान कितना है 10, टू एफ वन यानी कि 23 दूनी 46 माइनस के 15। ठीक है, उसके बाद देखो घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ टू कितना हमारा, एफ टू हमारा 7 है। हल कीजिए तो 30 और 23 में से 15 घटाएंगे आ जाएगा 8, दाई 80 और ये 7 और 5 12 22, 46 में से 22 घटाओगे कितना आ जाएगा 24। ठीक है, कटेगा 4 छंग 24, 4 दुनी 0, 2 तियाँ 2 दाई, तो ये आ जाएगा 3.33। तो आंसर आ जाएगा 33.33, दशमलव के 2 स्थान तक हमने ले लिया। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये जो क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे स्किप करो, ठीक है, और अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, BDAC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ आपस में बराबर होगी। देखो हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है। तो B कोण समकोण है, अगर यहाँ B है तो यहाँ A होगा और यहाँ पर C होगा। तो हमसे क्या बोला, BD AC पर लंब है, जो BD है वो AC पर लंब है, यानी कि ये 90 है और ये भी 90 है, तो हमें सिद्ध करना है। तो पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है कि भैया जो BD है ना वो लंब है AC पर, ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो करना है वो भी हम लिख लेते हैं कि भैया AB² किसके बराबर है, AC गुणा AD के बराबर है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए AB² दो बार चाहिए, AB यहाँ है, उसके बाद AC, AC कहाँ है, ये यहाँ है पूरा, और फिर AD, मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज के, बड़े वाले त्रिभुज के क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे, 2 नंबर का प्रश्न है, पर मैं 6.7 से, ठीक है, पर मैं 6.7 से, देखो सबसे पहले देखो हमारा क्या है, ABC त्रिभुज, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा, तो मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा त्रिभुज ABC, और उसके बाद क्या है ADB। अब आप देखो छोटा वाला त्रिभुज लोगे या बड़ा वाला त्रिभुज लोगे, दोनों में A भुजा आ जाएगी उभयनिष्ठ, A भुजा क्या आ जाएगी उभयनिष्ठ। उसके साथ साथ इसका जो D कोण है छोटे वाले का, और इस बड़े वाले का जो B कोण है, इसका जो B कोण है और इसका जो D कोण है वो आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के। दो त्रिभुज में आपने, चूँकि त्रिभुज दोनों त्रिभुज में आपने दो कोण बराबर दिखा दिए, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, ठीक है। अतः एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज आपका जो ABC है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के, ठीक है, ये त्रिभुज उसके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजा लगाओ, तो यहाँ से ले लेंगे AB और यहाँ से आ जाएगा AD, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे देखो यहाँ AB और यहाँ से क्या आ जाएगा AC, त्रिज्यगुणा करोगे AB गुणा AB, AB² और ये हो जाएगा AC गुणा AD। यही हमें सिद्ध करना था 4 नंबर में, हैंस प्रूफ हर साल एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ, हमसे क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं आप पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है
उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पुनिंदा की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो माना माना पुनिता की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व आयु, 2 वर्ष पूर्व आयु अभी एक्स है, तो 2 वर्ष पहले क्या होगी, 2 घटा 2, 4 वर्ष बाद आयु, 4 वर्ष बाद आयु अभी क्या करना है, 4 इसमें जोड़ देना है, 4 हमने इसमें जोड़ दिया। कह रहे हैं पुनिंदा की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद आयु का जो गुणनफल है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या बोला है कि 2 वर्ष पूर्व एक्स माइनस टू और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो गुणनफल है उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से, वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, ठीक है। अब इसको हल करो, देखो x से x से गुणा करोगे x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x, 2 से गुणा करोगे माइनस के 2x, 4 दुनी 8, प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x और प्लस का वहाँ इधर के माइनस का, ठीक। देखो ये 2x और ये 2x कट गया, कितने हो गए, 4x, 4x से 4x हट गया, माइनस का 8 माइनस के 1 9, इतना आसान क्वेश्चन है। तो माइनस का 9 इधर के प्लस का 9 हो गया, तो वर्कमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन लिखेंगे 3 क्योंकि आयु कभी माइनस में नहीं होती। अतः पुनीता की वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बन गया, ठीक है, हो गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्या बोल रहे कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, इसको हमें सरल करना है। 1/x - 1/x - 2 = 3, ठीक है। लॉ शोभा ले लेंगे, इसकी इसके गुणा हो जाएगी, ठीक है, ये 3 इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। x - 2 = x - 2 और x = x, तो यहाँ से देखो प्लस के x माइनस के x कटा, यहाँ से बचा सिर्फ माइनस के 2, नीचे गुणा कर दोगे x * x, x² ये आ जाएगा 2x, 3 के बट्टे में कुछ नहीं 2, 1। अब देखो तिरछे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3x² और 3 दुनी 6x और 2 = 2, माइनस का 2 इधर के प्लस का 2 हो जाएगा, ये हमें मिल गया एक द्विघात समीकरण, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब देखो ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 6 आए, 3 दुनी 6 और जोड़ने पे भी 6 आए, तो 6 कम 6 ना, गुणा करने पे सही किया ना कैलकुलेशन, एक बार फिर से देख लो, नहीं तो कहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। 3x² - 3x6, हाँ ठीक थे, ठीक तो है, गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे भी 6 आए, तो 3 दुनी 6, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। चलो गुणनखंड विधि यहाँ पर फेल हो गई है, तो यहाँ पर हम श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे, 3 A के स्थान पर 3 है, B के स्थान पर x - 6 है और C के स्थान पर क्या है बच्चों, 2 है। श्रीधराचार्य के नियम से यहाँ लिख दो के द्विघाती सूत्र से, जब गुणनखंड नियम फेल होता है ना वह हम लगाते हैं द्विघाती सूत्र, और द्विघाती सूत्र हर द्विघात समीकरण में लगा सकते हो। x = क्या होता है, -b + √b² - 4ac/2a, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो माइनस बी हमारे पास है माइनस माइनस का प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 6 का वर्ग 4, ए हमारे पास 3 है और सी हमारे पास 2 है, बट्टे में 2 है, ए का मान 3 है। आगे हल करते हैं, यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस, 6 छंग 36, 4 थी 12, 12 दुनी 24,
3 × 2 = 6, तो यहाँ x का मान आ गया प्लस का 6 प्लस माइनस, 36 में से 24 घटाएंगे 12, 6 प्लस माइनस 4 × 3 = 12 यानी कि 2√3 बट्टे में 6, ऊपर से 3 उभन 2 उभनिष्ठ, 2 × 3 = 2 बाहर आ गया 2³, तो x का जो मान आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में ना, यहीं पे हमें छोड़ देना है, ठीक यहीं पे छोड़ देना है, आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें हमारा x का मान आराम से मिल गया, ठीक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये भी हो गया, आगे बढ़ दें नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहे 2 क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है, ठीक है। तो माना माना 2 क्रमागत धन सम संख्या है, सम बोला है, ठीक है, सम संख्या पूछा है आपसे, अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 2 होगी, क्यों सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले उनके बीच का जो अंतर होता है वो 2 होता है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोले, प्रश्न के अनुसार ये बोला है कि इनके वर्गों का अगर योग करके जोड़े, मतलब वर्गों करके जोड़ दें तो 340 आता है, पहले वाले का वर्ग जोड़ दो दूसरे वाले का वर्ग तो वो किसके बराबर आता है, 340 के बराबर आता है, ठीक है। तो इसको हम खोल देंगे, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है, एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x² प्लस के 4x प्लस 4 और ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस के 4x और ये आ जाएगा 336, ठीक है, प्लस का 4 घटा देंगे तो अब दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देने पर यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 × 2 = 2, 2 × 12 = 12, 2 × 2 = 12, 2 × 12 = 12, 2 × 8 = 16 ना यार क्या कर रहा हूँ, 2 × 2 = 2, 2 × 12 1 + 2 = 16, 168 आ जाएगा। छोटी छोटी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन ले डूबती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है, और गलती किसी से भी हो सकती है, फ्लो फ्लो में लग रहा है कि हम सही कर दे रहे हैं लेकिन गलती हो जाती है। अब ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 168 आया और घटाने में 2 नहीं पता चल पा रहा है, गुणनखंड कर दो, ठीक है, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 1 = 3, 7 = 7, घटाने पे 2 आना चाहिए, ओके, 2 × 2 = 4, ठीक है, और 7 × 2 = 14, 14 और 12, ठीक है, तो वो 2 संख्या आ गई 14 और 12, 14 में से 12 घटाओगे 2 आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ से 1 जोड़ा बन गया, यहाँ से 1 जोड़ा बन गया, ठीक। सो यहाँ से आप देखेंगे x उभयनिष्ठ है, तो x² से x बाहर आ गया और यहाँ से सिर्फ 14 बचा, x यहाँ से क्या देखो यहाँ पर सिंगल x बचा तो 12 उभयनिष्ठ आएगा, नेगेटिव था नेगेटिव लगा दिया, बाहर नेगेटिव अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 48, जो 2 बार है सेम टू सेम आए हैं, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो हमने उभयनिष्ठ निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में बराबर आ जाता है, उसे हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है, यदि एक्स प्लस 14 = 0 तो प्लस के 14 इधर के माइनस का हो जाएगा, लेकिन इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि ये धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है, अमान्य है। यदि x माइनस 12 = 0 तो माइनस के 12 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 12, तो ये सही हो जाएगा, अतः संख्या क्या होगी, अतः संख्याएं एक x थी और दूसरी x प्लस 2, x हमारी 12 है दूसरी 12 + 2 यानी कि 12, 14, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6 नंबर वाले में,
देखो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, 2300, और ये अथवा वाला भी, दोनों आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो इनको हमें नहीं करना है। क्या ही फ़ायदा होगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करके आएगा तो है नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसे हमें नहीं करना है। अगला क्वेश्चन जो सिलेबस में वो तो मैं करा दूंगा, टर्म्स की टेंशन मत लो। देखो ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है और ये एनसीईआरटी में है नहीं और आपने देखा भी नहीं होगा, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कह रहे जब सूर्य का उन्नयन कोण 5 से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े स्तंभ की छाया 1 मीटर अधिक हो जाती है। सो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24, ये हमारा उन्नयन कोण है ना, पहली बार में यहाँ था, पहली बार जब हम सूर्य का उन्नयन कोण था, सूर्य यहाँ पर है तो उन्नयन कोण पहली बार अवस्था में थीटा थीटा था, दूसरी बार थीटा से फाई हो जाता है, यहाँ पे आ गया तो थीटा से कितना हो जाता है, फाई हो जाता है। तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया 1 मीटर अधिक हो जाती है, 1 मीटर अधिक हो जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो छाया 1 मीटर अधिक हो जाती है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की छाया को मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। स्तंभ की लंबाई बता रही है, मैंने मान लिया कि स्तंभ की जो लंबाई है वो एच है, ये जो स्तंभ की लंबाई माना, स्तंभ की लंबाई एच है, आप लिख दोगे, बिंदु दे दो ए बी, ये सी, ये डी, ये एक्स माना है और ये स्तंभ की लंबाई एच हमने माना है। दो समकोण त्रिभुज बने, इनको बस हल कर लो, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ 90 अंश बोला नहीं जाता है क्योंकि हमेशा जो दीवार होती है, जो भी स्तंभ होता है, वो हमेशा ज़मीन के साथ 90 अंश के कोण पे ही होते हैं, उससे ज़्यादा कम होगा तो दीवार वो चीज़ गिर जाती है, तो ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ बोली नहीं जाएगी प्रश्न में, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। तो देखो ए बी सी में हमें ए बी निकालना है और हमें बी सी पता है, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, 10 थीटा, ये 10 थीटा, ठीक है। ए बी हमारे पास एच है, बी सी हमारे पास एक्स है, ये तो भैया 10 थीटा ही रहा, ओके। नेक्स्ट आ जाएंगे दूसरे वाले त्रिभुज में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ये निकालना है और ये पूरा हमें पता है, हमें ए बी बट्टे में बी डी, बी डी देखो ये लंब बट्टे आधा 10 थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, 5, तो ए बी हमारे पास एच है और ये क्या है, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ये है हमारा 10 5, ठीक है। हमें एच निकालना है तो वो एच निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, एच बराबर ए प्लस एक्स 10 5, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो हमें एच निकालना है ना, तो यहाँ से एक्स का मान निकाल दो, एक्स को हटाना है ना, तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा, एच बट्टे 10 थीटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मान रख दो, एच एक्स का मान क्या आ जाएगा, एच बट्टे में 10 थीटा, और इधर क्या है, 10 5। अब देखो जब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ए 10 5, और ये आ जाएगा प्लस में एच 10 5 बट्टे में 10 थीटा, तो ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, और बचेगा इधर ए 10 5, यहाँ से एच ओबाइनिस्ट है 1, और यहाँ बचेगा 10 5 माइनस के 10 थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा हल कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लो, 10 थीटा लॉस्ट पॉलिट, 10 थीटा एक कम 10 थीटा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, और यहाँ आ जाएगा 10 5, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो ये है ए 10 5, और ये जो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और ये बट्टे वाला इधर गुणे में, तो ये है स्तंभ की ऊंचाई, आंसर, ठीक है। 6 नंबर में पूछा गया भाई, और ये एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अगर करोगे नहीं फिर से आ गया बोर्ड एग्जाम में
फिर वही लटक जाओगे। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ मैं, पूछे गए प्रश्न है तभी हम कर रहे हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है वो 30 और 45 डिग्री है। देखो ये हमारे पास ये बहुमंजिल भवन है और ये ज़मीन पे खड़े हैं और 4 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये जो भवन की ऊंचाई है वो 4 मीटर है, ठीक है। कह रहे हैं इस बहुमंजिल भवन के शिखर से इसके शिखर को देखने पर और इसके तल को देखने पर जो अवनमन कोण बन रहे हैं, अवनमन इसके समांतरी रेखा खींचनी पड़ेगी यहाँ पर, कितने बन रहे हैं, 30 बन रहा है और 45 बन रहे हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ए बी सी डी ई नाम दे दिया। अब देखो भैया अगर ये 4 है तो भैया यहाँ से यहाँ तक भी तो कितना है, 4 है। अगर मैं इसको h मान लूँ इस दूरी को और h में जैसे ही मैं 4 जोड़ दूंगा मुझे मेरे बहुमंजिल की ऊंचाई मिल जाएगी, वही निकालना है। और इनके बीच की दूरी को मैं x मान लेता हूँ, अगर ये x है भैया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज बने हैं, इनको आप हल करो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, हल कर लो बस। तो देखो त्रिभुज आ जाओ, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में ये आपको निकालना है और ये दोनों समकोण त्रिभुज में उभयनिष्ठ है तो इसको लेना ही पड़ेगा। ए डी एक्स भी वैसे निकालना है ना, ई डी बट्टे ए डी। देखो कोण के सामने वाली भुज है लंब और ये है आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, 10 थीटा, थीटा हमारा कितना है बच्चों, 30 डिग्री। तो ई डी हमने एच माना है, ए डी हमने एक्स माना है, 10 30 का मान होता है 1/√3, गुणा कर दोगे एक्स एक कम एक्स और ये हो जाएगा 3h। समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर यहाँ आ जाइए, चूँकि अब बड़े वाले में आ जाओ, त्रिभुज ECB में, ECB में अब आपको देखो ये पूरा चाहिए होगा ना, लंबा ही है, इसमें H भी है आपका, तो ये है EC/BEC, लंब बट्टे आधार 10 थीटा, थीटा क्या है बड़े वाले में 45, BC हमारा क्या है H+4, ठीक है H+4 है और BC हमारे पास X है, 10/45 का मान 1 होता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, और H+4 एकम S+4 और X एकम X, ठीक है जी। सो यहाँ से देखिए प्लस का X इधर आके माइनस का होगा और प्लस के 4 उधर आके माइनस का, फिर क्या करेंगे, X का मान उठाकर यहाँ रख देंगे, X का मान क्या है 3h, ठीक है। तो H हमारे पास क्या आ गया, H उपनिष्ठ आ गया 1 - √3, ठीक है। ये माइनस तुम्हें थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो माइनस की गुणा इस वाले में कर दो, ये हो जाएगा 3 - 1 और ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस से मैंने इस वाले में गुणा कर दिया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। अब H निकालना है, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, कभी √ नीचे नहीं छोड़ना हो तो परिमेयकरण कर देंगे, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर दिया गुणा, √3 माइनस की जगह प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर तो वही रहेगा और नीचे किस सूत्र में लग जाएगा, यहाँ पर आपको पता है a - b a+b क्या होता है, a² - b² होता है। तो करोगे ये हो जाएगा a² - b² 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 घटाओगे 2, 2 × 2 = 4, तो यह आ जाएगा 2 √3 + 1, ये हमें एच मिला। अब एच का मान उठाकर यहाँ रख दोगे तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, एच का मान रखने पर एच का मान है 2 √3 + 1, तो देखो गुणा करोगे 3 × 3 3 × 3 = 6 और ये हो जाएगा 2 × 2 √3, पहला आंसर, दोनों भवनों के बीच की दूरी इतनी होगी। फिर हमें निकालना है बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल की ऊंचाई क्या है, h+4 है ना, h+4, h हमने निकाल रखा है,
अच्छा हमारे पास है 2√3 + 1, प्लस में है 4, तो गुणा करोगे यह 2√3, 2 × 1 = 2 और यह 4, 2√3, 4 और 2 कितना हो गया, 6 आंसर, इतना मीटर। ठीक है, बड़े आराम से बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है जी, हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं, कह रहे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। पहले ये हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र हमने मान लिया O है और ये एक चाप है, चाप पर जीवा भी है। ठीक है, तो पहली बार में हमें निकालना है त्रिज्यखंड और फिर वृत्तखंड भी निकालना है। ठीक है, ये सबसे पहला देखो हमें दिया है त्रिज्या, त्रिज्या आर हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर और जो कोण हमें दे रखा है, कोण थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, कह रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। पहले वाले पार्ट में हमसे बोल रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका सूत्र होते हैं थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो, कहीं पर डाउट लगे आप लोगों को मन में, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। थीटा का मान क्या है बच्चों, 60 है, बट्टे में 360, पाई का मान कुछ बोला है, नहीं बोला है, 22/7 ही रखो। और आर 21 है, स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर 21 × 21, 7 × 21 0 × 0 = 6 × 36, 3 × 2 = 6, 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2 = 1। ठीक है, ऊपर बचा हमारा 11 × 11 × 21, तो 11 × 1 = 11, हासिल लगा 1, 11 × 2 = 22 और 1 = 23, पहला आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो रेड रेड किया था ना मैंने, रेड रेड यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, OAB यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला संगत जीवा द्वारा काटे गए वृत्तखंड का, जिसको मैं काला काला कर दे रहा हूँ, ये निकालना है हमें सेकंड वाले पार्ट में। ये फर्स्ट वाला पार्ट किया था क्वेश्चन का, सेकंड वाले पार्ट में बोला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लग जाता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कैसा ही है, समद्विबाहु है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जस्ट अभी हमने निकाला है 231 और इसका सूत्र होता है 1/2 × r² sin θ। तो r का मान हमारे पास है 21 × 21/2 और साइन थीटा कितना है 60, मान रखोगे 21 × 21 441 होता है, 21 × 21 कितना होता है बच्चों, 441/2, साइन 60 का मान है √3/2। तो इसको हल करेंगे, तो देखो क्योंकि प्रश्न में बोला नहीं है कि √3 का मान रखो, ये वो हल करो, तो इसको यहीं छोड़ दो 3 4, आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे। आपने NCERT में भी ऐसा क्वेश्चन किया होगा जिसमें यहीं पे छोड़ दिया गया था, तो आप भी यहीं पे छोड़ दोगे। अगर 3 का मान रखने के लिए बोलता तो हम आगे भी हल कर दें, यहीं छोड़ देंगे, हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई, आप तुमसे बड़ा कंजूस कोई नहीं है दोस्त, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दो और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी से रेत से भरी हुई है। ठीक है, तो देखो हमारे पास 32 सेंटीमीटर ऊंचाई बेलनाकार बाल्टी है, ये बाल्टी है, ठीक, जो दिया है वो लिख देता हूँ, ऊंचाई हमें दे रखा है 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बाल्टी को जब हम पलट देते हैं तो एक शंकु के आकार में बदल जाती है, शंकु आकार ढेरी बन जाती है।
ठीक। इस शंकु में डेरी, यदि डेरी की जो ऊंचाई है, डेरी की ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है, तो डेरी की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको और डेरी की तिरक ऊंचाई एल बी ज्ञात करनी है आपको। कोई दिक्कत? मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच और बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर है। देखो इसको ढाल के ही ये बनाया गया है उलट कर, तो इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा वो समान होगा, क्योंकि बेलन का आयतन किसके बराबर है? शंकु का आयतन के। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई कटा, आर हमारे पास क्या है 18 × 18 स्क्वायर है ना, दो बार गुणा में लग जाएगा। एच का मान क्या है बच्चों? 32 है। स्मॉल आर पता नहीं भाई, हमें निकालना है, और एच हमें दे रखा है 24। ठीक है, तो देखो 18 × 18 और ये 24 गुणे में इधर आगे बट्टे में लग गया। ठीक, तो काटो इसको, किसे का 4 × 6 = 24, 4 × 32। ठीक है, 4 × 6 = 24, 4 × 32 बाकी सही किया ना हमने। फिर देखो और 6 × 3 = 18। ओके, तो 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 × 18 गुणे में 3, और 8 को लिख सकता हूँ 4 × 2। ठीक है, और ये हमारा आर स्क्वायर आ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने कैलकुलेशन में कहीं? ओहो, ये बट्टे का 3 भी तो है कि नहीं? बट्टे का 3 इधर के गुणे में लग जाएगा। देखो यहाँ पर 3 छूट रहा था, तभी देखो यार आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो 3 गुणे में 3 और डाल दो। अब वर्गमूल निकालोगे, 9 का वर्गमूल 3, 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, 3 का भी जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया, 4 का वर्गमूल 2, तो ये आ जाएगा 3 × 6, 3 × 6, आर हमें मिल जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो जो शंकु की त्रिज्या होगी वो बच्चों कितनी होगी? 36 सेंटीमीटर होगी। अब हमें तिर्यक ऊंचाई बोला है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर शूद्र होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच हमारे पास कितना है बच्चों प्रश्न में? 24 का वर्ग, और आर हमारा 36 का वर्ग है। ठीक है, तो 36 गुणा अगर हम 36 करते हैं, देखो ये 24 है ना, पहले 24 का वर्ग करो, तो 24 का वर्ग होता है 576 और 36 का वर्ग होता है 1296। ठीक है, तो 1296 में अगर हम 576 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1872। 1872 का वर्गमूल निकालते हैं, पीछे से 2 जोड़ा बनाएंगे, 4 × 16, 5 × 25 ज़्यादा हो जाता है, 4 × 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, तो 4 × 2 = 8। पूरा पूरा जाएगा लग तो नहीं रहा, कुछ भी लिखेंगे 80 के आसपास हो जाएगा, 12 चाहिए ना, 3 × 3 = 9, 4 × 16 = 5, ऐसे नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं जाएगा, तो पूर्णखंड विधि लगा लो, 2 से काटो 2 × 18, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। ठीक है, फिर 2 से काटो 2 × 8, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 2, 3 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, 1 × 2 = 2 और 2 × 7 = 14, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 13, 1 × 2 = 3, 3 × 6 = 12, तो ये आ जाएगा 12√13, इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, और इस तरीके से पूरा पेपर हमने वायरल सॉल्व कर लिया है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे।